कुल्लू जिला में पटवारी के 42 खाली पदों के लिए लिखित परीक्षा रविवार को 45 परीक्षा केंद्रों में संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल्लू जिला में करीब 14,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। सभी 45 परीक्षा केंद्रों में कुल्लू जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए थे। सभी केंद्रों में परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आयोजित करवाई गई। कुल्लू जिला में पटवारी के 42 खाली पदों के लिए लिखित परीक्षा चारों मंडलों में सभी एसडीएम की निगरानी में संपन्न हुई। बाद में जिला मुख्यालय कुल्लू में बंजार, आनी और मनाली मंडलों से भी लिखित पेपर एकत्रित किए गए। इन पेपरों के सीलबंद बंडल शिमला सचिवालय भेजे जाएंगे, जहां पर सभी जिलों की ओएमआर शीट पहुंचने के बाद चेक की जाएंगी। राजस्व विभाग द्वारा मौखिक परीक्षा के बाद कुल्लू जिला में 42 पदों की भर्ती की जाएगी। कुल्लू जिला राजस्व विभाग के अधिकारी राजेश भंडारी ने बताया कि कुल्लू जिला के 42 पटवारी के खाली पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 45 परीक्षा केंद्रों में संपन्न हुई, जिसमें करीब 14,000 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया और सभी 45 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से लिखित परीक्षा आयोजित की गई। 45 सेंटर्स थे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और सब में शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हुए हैं और टर्नआउट अच्छी रही है। और हमारे जो यूज्ड और अनयूज्ड मटेरियल है वो भी आपने देखा कि यहाँ हमारा वापस पहुँच गया है। अब इसको जो है जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो शिमला भेजे जाएंगे यहाँ से सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ इनकी जो है की जाएगी। आनी में सब डिवीज़न में जो है तो एसडीएम साहब वहाँ के जो पेपर्स हैं वो डायरेक्ट शिमला में हमें देंगे और हम वहाँ से डीएलआर में वहीं से डिपॉजिट करवा देंगे। और बाकी एसडीएम बंजार, एसडीएम मनाली और एसडीएम कुल्लू ने हमें यहाँ पे सौंप दिए हैं, तो हमने उनसे ले लिए हैं। अब हम रात को इनको ट्रेजरी में रखेंगे और सुबह ट्रेजरी से निकाल के कल शिमला में इनको डिपॉजिट करवाएंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।